everyone. Let us begin with question number 7 of exercise 11.2, and I just welcome you all to my YouTube channel Be Genius. So question number 7, ABC हमारे पास एक triangle given है. इसमें हमारे पास AD जो है वो एक height है, BC base पे गिरी हुई है और उसकी measurement 13, AC 12, AB 5. ये information given है. Figure is given in the book. If you want to see, you can check it from there. निकालना क्या है कोई, तो मेरे को AD निकालना है, मतलब मेरे को अपनी height find करनी है और मेरे को area निकालना है इस triangle का. Okay, let us begin with that. मेरे को लगाना है area. अच्छा, area निकालना है तो area of triangle का हम formula use कर लेते हैं. Area of triangle ABC, और area of triangle तो आप सभी को याद हो चुका है, अगर वो एक right angle triangle है तो हमें उसका formula क्या मिलता है, half into base into height. अब देखो half into, अब यहाँ पे थोड़ा सा pause लेते हैं. बेस और हाइट तो वो चीज होती है जहां पे इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बताओ. हाइट तो वही होती है ना जो 90 डिग्री पे गिरे. तो इस पूरी ट्रायंगल में हमें ढूंढना है 90 डिग्री पे कौन गिर रहा है. एक तो 90 डिग्री पे देखो एडी गिर रहा है. एडी का हमें पता ही नहीं है तो हम हाइट लगाएंगे कहां से. एक यहाँ पे भी 90 डिग्री दिख रहा है थोड़ा सा छुपा हुआ देखो, यानी ये एबी और एसी के बीच में थोड़ा सा कुछ इस तरीके से एबी और एसी के बीच में आपका 90 डिग्री बन रहा है. तो एक को हम बेस ले लेते हैं और दूसरे को हम क्या ले लेंगे, हाइट. 90 डिग्री ढूंढना है ना, कहीं पे भी मिल जाए. यहाँ पे हमारा काम नहीं बना एडी से क्योंकि उसकी वैल्यू गिवन नहीं थी. तो हम बेस किसको ले लेते हैं, 5 को, और हाइट किसको ले लेते हैं, 12 को. ले सकते हैं ना 90 डिग्री पे क्योंकि आपस में मिले हुए हैं. आप कट करेंगे यहाँ पे दोनों को, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 13. और क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इतना काम फिनिश. आ जाते हैं एडी पे. एडी निकालने को बोला हमें. अब देखो एडी अगर निकालेंगे तो हम शुरू कहां से करेंगे, एरिया से, क्योंकि हमें ना एरिया मिल चुका है इस ट्रायंगल का. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू बेस. बेस अब मैं किसको लेके चलूंगी, बीसी को लेके चलूंगी क्योंकि उसी पे मेरी हाइट एडी डली हुई है, तभी वो निकल के आएगी. तो बेस हम कितना लेके चलेंगे उसमें, बीसी, और हाइट उस पर क्या डलेगी, एडी. अब यहां से एडी निकल के आ जाएगी अगर मेरे को बीसी की वैल्यू पता है और एरिया की भी वैल्यू पता है. एरिया हमें पता लग गया ना अभी अभी फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला, दैट इज इक्वल टू 30. और हाफ और बीसी कितना गिवन है आपको, वो किसके इक्वल गिवन है, 13 के इक्वल गिवन है, मल्टीप्लाई बाय एडी. ठीक है, 13 यहाँ पे आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं. 13 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एडी. अगर मेरे को इस 13/2 को यहाँ से हटाना तो उधर जाके मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ये कैसे, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू एडी. कुछ नहीं कट रहा तो न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर सिंगल रह जाएगा, सेंटीमीटर इज इक्वल टू एडी. आ गया ना आपके पास, जो हाइट आपके पास है वो आ गया, हाइट भी आ गई और एरिया भी आ गया, है ना. इजी क्वेश्चन था. बिल्कुल सेम ही पैटर्न पे हमारा ये वाला क्वेश्चन जाएगा. हमें ए बी सी एक ट्रायंगल गिवन है और इसके अंदर ये वाली वैल्यू, ये वाली और ये एडी गिवन है. एक तो हमें एरिया निकालना है और एक हमें सीई निकालनी है, ये जो सीई. ठीक है, शुरू कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट में. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फॉर्मूला सबको याद है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अगर मेरे को एरिया निकालना है तो मेरे को बेस का भी पता होना चाहिए और हाइट का भी पता होना चाहिए. अब देखो यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, बेस अगर मेरे पास बीसी है तो क्या मेरे पास एडी हाइट की वैल्यू गिवन है, गिवन है. तो हम ये वाला सेट चूज कर लेते हैं. देखो ये वाला कर तो हम ए बी भी सकते थे पर उसमें ईसी गिवन नहीं था, वो वाला सेट काम ही नहीं करेगा एरिया निकालने के लिए. सेट वो वाला काम करेगा जिसकी दोनों वैल्यू हमारे पास मिलती हो, बेस बीसी उसकी हाइट भी दे रखी है. तो हाफ इंटू बेस कितना है, 9, और हाइट उसपे कितनी डली हुई है, 6. कट कर दें 3, तो मेरे पास एरिया कितना आ जाएगा, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. पूरी ट्रायंगल का एरिया आ चुका है. ठीक है, ये वाला काम फिनिश. अब मेरे को क्या निकालना है, सी निकालना है. और सी क्या है, मेरा एल्टीट्यूड है. सेम ही फॉर्मूला काम कर जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ इनटू, देखो मैं बेस कौन सा यूज करूंगी, मैं बेस ए बी यूज करूंगी क्योंकि उसी के ऊपर सी हाइट डली हुई है जो मेरे को निकालनी है. ए बी मल्टीप्लाई बाय सीई. तो एरिया क्या मेरे को एरिया की वैल्यू पता है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ. यस इट इज गिवन, दैट इज 27 इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय ए बी. ए बी आपको कितना गिवन है, ए बी 7.5 सेंटीमीटर, और सीई यहां से निकल जाएगा. ठीक है, वही क्वेश्चन, 27 इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 77.5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सीई उधर ले जाएंगे, 27 मल्टीप्लाई बाय 2 और 7.5 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू सीई. ठीक है, अगर आप डेसिमल हटाएंगे ये वाला तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगी. अब चाहे तो आप इसको कट करके शॉर्ट कर सकते हैं 3 के टेबल से,
ये 9 पे चला गया और ये किस पे चला जाएगा 25 पे. 5 के टेबल से ये किस पे चला गया 4 पे, ये चला गया 5 पे. 9 4 जा क्या जाएगा 36, नीचे क्या आ गया 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू CE आपका. आपने अपना CE भी फाइंड कर लिया. ठीक है, तो दोनों पार्ट जो थे, दोनों क्वेश्चन काफी सिमिलर थे, बहुत इजी भी थे और मैं होप भी करती हूँ कि आप लोगों को समझ भी आए होंगे. अगर आपको पार्ट समझ आए हैं रियली तो प्लीज चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. ठीक है, फॉर माय मोटिवेशन. हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑफ द सेम चैप्टर. टिल देन स्टे ट्यून विद मी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.